हेलो दोस्तों, मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेन यात्रा पर। आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 04308 जो कि बरेली से खुलकर प्रयागराज संगम के बीच चलने वाली बरेली प्रयागराज संगम स्पेशल एक्सप्रेस के बारे में, जो कि बहुत ही स्पेशल ट्रेन है और इस रूट में चलने वाले पैसेंजरों के लिए। अगर आपने इस ट्रेन में ट्रैवल किया है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका स्टेशन इसमें से कौन सा है। आज मैं बताऊंगा आपको इस ट्रेन की सारी जानकारी, इसके रूट, हॉल्ट और टिकट किराए के बारे में, तो बने रहेगा इस वीडियो में और बताइएगा आपने अगर इस ट्रेन में ट्रैवल किया है तो। मिलता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर रेल यात्रा से पहले एक बार हो जाए ट्रेन यात्रा। दोस्तों 04308 बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस ये एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन को नॉर्दर्न रेलवे जोन ऑपरेट करती है। दोस्तों ये ट्रेन अपनी 464 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस 12 घंटे 55 मिनट में पूरा करती है और इसके बरेली से लेकर प्रयागराज संगम तक तकरीबन 39 हॉल्ट आते हैं। दोस्तों ये एक डेली ट्रेन है और ये ट्रेन जो बात करूं इसमें आपको ICF रेक ही यूज़ होते हैं और थर्ड AC क्लास का इसमें एक डब्बा है जिसका, और स्लीपर क्लास के इसमें डब्बे हैं दो ही स्लीपर क्लास के डब्बे हैं और बाकी तकरीबन ये सारे जो सेकेंड सीटिंग आपको कोरोना काल में अगर इसमें ट्रैवल करेंगे तो जनरल के डब्बे उस सेकेंड सीटिंग के रूप में चल रहे हैं, तो सेकेंड सीटिंग क्लास के इसमें डब्बे हैं 7। आप इस ट्रेन में तभी ट्रैवल कर पाएंगे जब आपके पास रिजर्वेशन टिकट हो, पूरा आपका कंफर्म टिकट हो। मैं अगर इसके किराए के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन में जो है थर्ड AC की किराया है बरेली से लेकर प्रयागराज संगम तक का 720 रुपये, वहीं स्लीपर क्लास का है बरेली से संगम तक का 265 रुपये, वहीं जनरल का किराया है 65 रुपये सेकेंड सीटिंग का। आपको टिकट बुकिंग करा के ही इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इस ट्रेन के टाइम टेबल, रूट, हॉल्ट के बारे में, कब ये बरेली से खुलती है और कब ये प्रयागराज संगम पहुंचती है। दोस्तों ये ट्रेन बरेली से प्रतिदिन शाम को 5:30 बजे खुलती है प्रयागराज संगम के लिए। ये एक डेली ट्रेन है, ये आपको बरेली जंक्शन से डेली मिल जाएगी प्रयागराज संगम के लिए। इसके 39 हॉल्ट आते हैं बीच में, जो उसका दूसरा स्टेशन है वो है दोस्तों पीताम्बरपुर। शाम को 5:49 पर ये पहुंचती है पीताम्बरपुर, 2 मिनट रुकने के बाद शाम को 5:51 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है बीलपुर रेलवे स्टेशन शाम को 6:06 पर, यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, शाम को 6:08 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है तिलहर रेलवे स्टेशन शाम को 6:23 पर, यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है और शाम को 6:25 पर तिलहर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है प्रयागराज संगम के लिए। अब बरेली प्रयागराज संगम स्पेशल एक्सप्रेस पहुँचती है शाहजहाँपुर शाम को 7:03 पर, यहाँ पहुँचने का टाइमिंग है, 2 मिनट का मात्र हॉल्ट है और शाम को 7:05 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है रोजा जंक्शन शाम को 7:14 पर, रोजा जंक्शन में 2 मिनट का हॉल्ट है, शाम को 7:16 पर रोजा जंक्शन से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। दोस्तों अब ये ट्रेन पहुँचती है अपने 7वें स्टेशन आंझी शाहबाद शाम को 7:36 पर, आंझी शाहबाद में इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, शाम को 7:38 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अब ये ट्रेन पहुँचती है हरदोई रेलवे स्टेशन रात में 8:00, हरदोई में इसका रात में 8:00 पहुँचने का टाइमिंग है और यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट रखा गया है, रात में 8:05 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अब ये पहुँचती है संडीला रेलवे स्टेशन रात में 9:03 पर, संडीला में 2 मिनट का हॉल्ट है, रात में 9:05 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है आलमनगर रेलवे स्टेशन रात में 10:28 पर, 2 मिनट रुकने के बाद रात में 10:30 आलमनगर से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। अब ये ट्रेन पहुँचती है दोस्तों लखनऊ चारबाग में इसका टाइमिंग है रात में 10:55 का, यहाँ पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है और रात में 11:05 पर यहाँ से रवाना होती है, 10 मिनट रुक के आगे बढ़ती है। ये ट्रेन पहुँचेगी अपने 12वें स्टेशन उतरेटिया जंक्शन, उतरेटिया में टाइमिंग है इसका 11:28 का और यहाँ पे इसका 1 मिनट का हॉल्ट है, रात में 11:29 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है दोस्तों मोहन लालगंज रात में 11:40 पर, मोहन लालगंज में 1 मिनट रुकने के बाद रात में 11:41 पर यहाँ से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। अब ये पहुँचती है कनकहा रेलवे स्टेशन
रात में 11:50 पे यहाँ पे इसका 1 मिनट का हॉल्ट है और रात में 11:51 पे यहाँ से रवाना होती है। अब इस ट्रेन का अगला हॉल्ट है निगोहा, रात में 11:58 पे यहाँ पहुँचती है, 1 मिनट रुकने के बाद रात में 11:59 पे यहाँ से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। अब ये पहुँचती है श्री राजनगर, रात में 12:07 पे यहाँ पे इसका मात्र 1 मिनट का ही हॉल्ट है, रात में 12:08 पे यहाँ से आगे बढ़ती है। दोस्तों अब ये ट्रेन पहुँचती है अपने 17वें स्टेशन बछरवा, यहाँ पे 12:15 पे पहुँचने का टाइमिंग है, 1 मिनट रुकने के बाद रात में 12:16 पे यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अब ये पहुँचती है कुंदनगंज, रात में 12:25 पर कुंदनगंज में भी मात्र 1 मिनट का ही हॉल्ट है, रात में 12:26 पे यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है हरचंदपुर, रात में 12:33 पर हरचंद में भी 1 मिनट का ही हॉल्ट है, रात में 12:34 पे हरचंदपुर से रवाना होती है प्रयागराज संगम के लिए। यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर करें और अपना स्टेशन का नाम ज़रूर बताएं अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं तो। अब ये पहुँचती है गंगागंज, रात में 12:42 पर गंगागंज में 1 मिनट का हॉल्ट है, रात में 12:43 पे गंगागंज से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। दोस्तों अब ये ट्रेन पहुँचती है रायबरेली जंक्शन, रात में 1:20 पर रायबरेली में 5 मिनट का हॉल्ट है, रात में 1:25 पर रायबरेली से रवाना होती है। अब ये ट्रेन पहुँचती है रूपामऊ रेलवे स्टेशन, रात में 1:36 पर यहाँ पे इसका 1 मिनट का हॉल्ट है, रात में 1:37 पर यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों अब ये पहुँचती है फुर्सतगंज, रात में 1:46 पर फुर्सतगंज में इसका 1 मिनट का हॉल्ट है, 1 मिनट रुकने के बाद रात में 1:47 पे फुर्सतगंज से रवाना होती है प्रयागराज संगम के लिए। अब ये पहुँचती है जायस रेलवे स्टेशन, रात में 1:57 पर यहाँ पे इसका 1 मिनट का हॉल्ट है, रात में 1:58 पे यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है कासिमपुर, रात में 2:03 पर यहाँ पे इसका 1 मिनट का हॉल्ट है, रात में 2:04 पे कासिमपुर से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। अब ये पहुँचती है बनी रेलवे स्टेशन, रात में 2:11 पर बनी रेलवे स्टेशन में भी इसका 1 ही मिनट का हॉल्ट है, रात के 2:12 पर बनी रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। दोस्तों अब ये ट्रेन पहुँचती है गौरीगंज, रात में 2:20 पर गौरीगंज में इसका 1 मिनट का हॉल्ट रखा गया है, 2:21 पे गौरीगंज से रवाना होती है प्रयागराज संगम के लिए। अब ये ट्रेन का जो 28वां हॉल्ट है ताला खजूरी रेलवे स्टेशन, रात में 2:28 पे आता है ताला खजूरी, 1 मिनट रुकने के बाद रात में 2:29 पे यहाँ से ट्रेन खुलती है और आगे बढ़ती है अपने प्रयागराज की तरफ। अब ये पहुँचती है अमेठी रेलवे स्टेशन, रात में 2:36 पर अमेठी में 2 मिनट का हॉल्ट है, रात में 2:38 पे यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है मिसरौली, रात में 2:46 पर मिसरौली में 1 मिनट का हॉल्ट है, रात में 2:47 पे यहाँ से आगे बढ़ती है। अब ये पहुँचती है अंतु रेलवे स्टेशन, रात में 2:55 पर अंतु में 1 मिनट का हॉल्ट है, रात्रि के 2:56 पे यहाँ से आगे बढ़ती है। दोस्तों अब ये पहुँचती है जागेसरगंज, सुबह में 3:05 पर जागेसरगंज में 1 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 3:06 पर यहाँ से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। अब ये ट्रेन पहुँचती है दोस्तों अपने 33वें स्टेशन चिलबिला जंक्शन, सुबह में 3:17 पर यहाँ पे इसका 1 मिनट का हॉल्ट है, चिलबिला जंक्शन से 3:18 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये पहुँचती है दोस्तों अपने 34वें स्टेशन प्रतापगढ़ जंक्शन, यहाँ पे इसका टाइमिंग है पहुँचने का सुबह में 3:50 पर और यहाँ पे इसका 8 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 3:58 पर यहाँ से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। दोस्तों अब ये पहुँचती है विश्वनाथगंज, सुबह में 4:18 पर विश्वनाथगंज में इसका 1 मिनट का हॉल्ट है, सुबह में 4:19 पर यहाँ से रवाना होती है। अब बरेली प्रयागराज संगम एक्सप्रेस जो पहुँचती है अपने 37वें स्टेशन मऊ आमिया रेलवे स्टेशन पहुँचती है, सुबह में 4:35 पर 1 मिनट ही रुकने के बाद सुबह में 4:36 पर मऊ आमिया रेलवे स्टेशन से ही रवाना होती है प्रयागराज संगम के लिए। ये ट्रेन एक्चुअली काफ़ी लोकल हॉल्ट लेते हुए पहुंचती है क्योंकि इस ट्रेन का टाइमिंग भी एक्चुअली रात के टाइम का है तो इतना सेफ तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोकल हॉल्ट को लेते हुए आगे बढ़ती है। जिसका अगला स्टेशन वो है सेवाइत रेलवे स्टेशन, सेवाइत में इसका टाइमिंग है सुबह में 4:54 का, 1 मिनट रुकने के बाद
सुबह में 4:55 पे सेवाइत रेलवे स्टेशन से रवाना होती है। अब ये पहुंचती है दोस्तों फाफा मऊ जंक्शन। सुबह में 5:20 पर फाफा मऊ में 1 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 5:21 पर यहाँ से रवाना होती है प्रयागराज के लिए। अब ये पहुंचती है प्रयाग जंक्शन। सुबह में 5:46 पर ये इसका सेकेंड लास्ट स्टेशन है। यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। सुबह में 5:48 पर यहाँ से रवाना होती है। अब ये ट्रेन पहुँचती है अपने डेस्टिनेशन प्रयागराज संगम। सुबह में 6:25 पहुँचती है, अपनी यात्रा समाप्त करती है अपनी 464 किलोमीटर की दूरी तय करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी स्टेशन का नाम मैंने गलत लिया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सही एरर कर सकते हैं उसको। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच।